अच्छी बात है। और जिन बच्चों से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाई है, या मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया था तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए दे दिया, तो जिन बच्चों ने वो नहीं लिख पाया है या जिनके समझ में नहीं आया है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने ये यहाँ पर सिंबल लिखे हुए हैं और जो एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, तत्व के नाम और जो उनके चिन्ह लिखे हुए हैं और उनकी संयोजकता, ये आपको याद होनी चाहिए। साथ ही जो बहुपरमाणु आयन लिखे हुए हैं, तो इन बहुपरमाणु आयन की संयोजकता और इसके सिंबल, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे आप आसानी से रासायनिक अभिक्रिया लिख पाएंगे और उसको जल्दी से बैलेंस भी कर पाएंगे, और आगे के जितने भी चैप्टर हैं आपको वो भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अभी मैं कुछ रासायनिक सूत्र लिखने वाला हूँ, तो वो रासायनिक सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। ये जितने भी रासायनिक सूत्र हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया को बनाने के लिए और किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, दोनों के लिए काम आएंगे। और आपके जितने आगे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर तक हैं जो आपके केमिस्ट्री के, उन सब में ये काम आएंगे, तो इनको आप याद कर लें। अब हम अपने जो कल तुम्हें प्रॉब्लम्स दी थी, होमवर्क दिया था, उस होमवर्क की बात करते हैं, ठीक है? तो होमवर्क को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। तो सबसे पहले तो हम इस पर रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और जल का H2O होता है। इसको हम संतुलित भी करेंगे, क्योंकि जो भी अभिक्रिया लिखते हैं हम संतुलित अभिक्रिया लिखते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और जल का H2O होता है। इसको संतुलित करने के लिए अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन के 4 हो गए परमाणु, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 परमाणु हो गए। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 परमाणु हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 और 2 4 परमाणु हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ पर भी 4 है, कार्बन का 1 है और 1 है, ये संतुलित हो चुकी है। इसको हम लिख देंगे CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इसी प्रकार दूसरे देखेंगे कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? अमोनिया। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है, चिन्ह है, वो N होता है और हाइड्रोजन का H होता है, क्योंकि गैसे हैं इसलिए हम इन्हें 2 से दर्शा रहे हैं, डायटोम से। अमोनिया को हम NH3 से दर्शाते हैं। जो आज मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे उन सूत्र से आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको हम संतुलित करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। समीकरण संतुलित हो चुकी है, N2 प्लस 3H2 एरो 2 NH3। इसी
प्रकार तीसरी समीकरण देखेंगे, जब जिंक धातु अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस, तो जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, जल का जो सिंबल है H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल जो आज लिखा है तो मैं याद करोगे तो आपको उनमें मिल जाएगा, लिखाया था उसमें आपको मिल जाएगा NaOH, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल पता है आपको H2। तो इसको हम संतुलित करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो और एक तीन परमाणु है, यहाँ पर केवल दो परमाणु है। अगर इसमें यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हाइड्रोजन के यहाँ पर दो और दो चार परमाणु हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन के चार परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु है, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दी दो परमाणु। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन को संतुलित किया। क्या किया, हाइड्रोजन को संतुलित किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो और एक तीन परमाणु है, यहाँ पर दो परमाणु है तो संतुलित नहीं हो सकता, या तो थ्री के मल्टीपल में होने चाहिए थे या दो के में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गए, दो हाइड्रोजन और दो, तो कितने हो गए, चार। यहाँ पर दो पहले से ही है, अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, चूने के पानी, चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो क्या बनता है, तो जल व कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट व जल बनता है। तो चूने के पानी को देखो, जो चूना है बिना बुझे हुए चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, और बुझे हुए जो चूना होता है जिसे हम चूने का पानी कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम
राइट साइड CaOH टू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये सभी सूत्र आपको जो आज मैंने लिखवाए थे उनमें सब मिल जाएंगे आपको H2O। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, कैल्शियम का एक परमाणु है, इधर भी एक है, यहां पर ऑक्सीजन के दो और दो चार परमाणु है, यहां पर भी ऑक्सीजन के तीन और एक चार परमाणु है, हाइड्रोजन के यहां पर दो परमाणु है, यहां पर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु। तो ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। एरो CaCO3 प्लस H2O। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली क्वेश्चन में यहाँ पर सल्फर के दो परमाणु हैं, इसमें सल्फर का केवल एक ही परमाणु है, तो इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर सल्फर के दो परमाणु हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे दो दूनी चार और दो छह ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल दो ही ऑक्सीजन है, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन ऑक्सीजन है। यहाँ पे सल्फर के दो है, यहाँ पे कार्बन का एक है, इधर कार्बन का एक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको हम लिख देंगे CH2 प्लस 3O2 CO2 2SO2। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो यहां पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के दो हो गए। अब यहां पर मैग्नीशियम के भी दो हो गए इधर, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Mg के दो हो गए, इधर भी Mg के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो और इधर भी ऑक्सीजन के दो, तो ये भी संतुलित हो गए। 2Mg प्लस CO2 देन 2MgO प्लस C। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन है, इसमें देखो यहां पे हाइड्रोजन के दो हैं और यहां पर भी हाइड्रोजन के दो हैं, तो टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन के चार परमाणु हो गए, तो यहां पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन के चार हो गए। अब ऑक्सीजन के यहां पे कितने हैं, दो हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दो हैं, कार्बन के इधर दो हैं, इधर भी कार्बन के दो हैं, कैल्शियम का एक है और इधर भी कैल्शियम का एक है, तो कैल्शियम भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन के दो और दो चार, चार बैलेंस है, ऑक्सीजन के इधर दो है और इधर भी दो है, तो ये भी बैलेंस होगी। इसी तरीके से अगली क्वेश्चन है, इसको संतुलित करेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन के तीन परमाणु हैं और इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो ये संतुलित नहीं होगी। इसको संतुलित करने के लिए इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, इसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु है, तो नाइट्रोजन भी नहीं होगी। इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो दो और एक कितने हो गए, ऑक्सीजन तीन, तो अगर हम यहां पे तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के तीन दूनी छह हो गए। यहां पर छह बनाने के लिए छह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर भी ऑक्सीजन के छह हो गए। अब यहां पे हाइड्रोजन के छह दूनी बारह हो गए, तो हाइड्रोजन के बारह बनाने के लिए यहां पर चार से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, चार दिया बारह। नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए, चार, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें दो पहले से ही है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, चार हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को भी हम लिख देंगे 4NH3 प्लस 3O2 2N2 प्लस 6H2O। इसी तरीके से पांचवी क्वेश्चन है, इसमें क्लोरीन के तीन परमाणु हैं और इसमें क्लोरीन का एक परमाणु है, यहां पे हाइड्रोजन के दो हैं, यहां पे हाइड्रोजन का केवल एक ही परमाणु है, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्लोरीन को हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तीन से तो बैलेंस होगा नहीं, इसमें हम छह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे छह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन के
छह हो गए। यहाँ पर क्लोरीन के छह परमाणु करने के लिए हमें दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्लोरीन के तीन दूनी छह परमाणु हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर छह हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम तीन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन दूनी छह हो गए हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के दो परमाणु है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर भी हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गए। टू एयर प्लस सिक्स एस एयर ठीक है, ये पांचवी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इसमें केवल ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इनको बॉक्सेस में हम बंद कर लेंगे इस तरीके से, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो दूनी चार हो गए, यहाँ पे हमें दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के चार हो गए। अब यहाँ पे सल्फर के दो और एक तीन हो गया है, यहाँ पर हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ पर दो और तीन है, इसमें हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन दूनी छह परमाणु हो गए हैं, और यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी ऑक्सीजन के देखो दो दूनी चार और दो छह हो गए। हाइड्रोजन के यहाँ पे दो दूनी चार हो गए, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर हम कर देंगे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो दूनी चार हो गए। सल्फर के यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे भी दो हो गए। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को लिख देंगे SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S। इसी तरीके से 2H2S प्लस 3O2 एरो 2SO2 प्लस 2H2O। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको भी हम पहले बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के दो परमाणु है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक ही परमाणु है, यहाँ पर हम अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के दो परमाणु हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के तीन दूनी छह हो गए। यहाँ पे छह बनाने के लिए आप किसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम तीन तीन दूनी छह, यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन और तीन छह हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के तीन और दो तीन दूनी छह, यहाँ पे भी छह हो गए, ये भी बैलेंस हो चुकी है। टू एयर ओएस थ्री डेल्टा, ये हीट के लिए लगाते हैं हम, एयर टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे पहले। तो इसमें यहां पर ऑक्सीजन के चार परमाणु है, और यहां पर ऑक्सीजन के चार दिया बारह परमाणु है, ठीक है। तो यहां पर बारह परमाणु बनाने के लिए हमें तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, चार दिया बारह, ठीक है। अब यहां पर बेरियम के कितने परमाणु हो गए, तीन, यहां पर बेरियम के परमाणु कितना एक, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई बनाएगी तीन से, यहां पर भी बेरियम के तीन परमाणु हो गए, यहां पर एल्यूमिनियम के दो परमाणु है, यहां पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम के दो परमाणु हो गए, यहां पे क्लोरीन के तीन दूनी छह परमाणु है, यहां पर भी तीन दूनी छह परमाणु हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। थ्री वी एस एल टू प्लस एयर टू एसओ फोर थ्री टू एल सी एल थ्री प्लस थ्री BSO4। लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क की, यहां पर देखो Fe के यहां पे दो परमाणु है, यहां पर एक ही परमाणु है, तो यहां पर अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe के यहां पे दो परमाणु हो गए। उसके बाद में यहां पर ऑक्सीजन के चार परमाणु हुए हैं, और यहां पर नौ है, नौ चार
13, यहाँ पर 4 तीन 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 यहाँ पर 18 परमाणु, तो यहाँ पे ज्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर अब कितने परमाणु होंगे, 3 तीन 9, 9 दूनी 18 और 4 तीन 12, 18 और 12 कितने हो गए 30, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कम हो गए। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी 6 दिया 18 और 12, यहाँ पर भी कितने हो गए 30, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। इनको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है, जब नहीं होगा तो देखना है, पहले वीडियो देखनी है, फिर अगेन प्रैक्टिस करनी है, फिर जब दोबारा नहीं होता है तो वीडियो देखनी है। और बैलेंस करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। कल हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उसकी हम बात करेंगे, और कोई अगर आपका डाउट होता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे।